हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग पीजीबीपी को आगे जो कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें देखेंगे सेक्शन 44EE मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 44AB। फिर उसके बाद प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन और फिर स्टॉक वैल्यूएशन, राइट? एंड दिस विल ब्रिंग एन एंड टू दिस चैप्टर पीजीबीपी। तो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, यू कैन से। तो शुरू करते हैं। हालांकि अभी भी हम लोग आज की क्लास में और अगली क्लास में हम लोग प्रोविजंस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वाली क्लास में क्वेश्चन आंसर्स होगा। तो अभी भी तीन क्लासेस हैं हमारी। सेक्शन 44EE है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनकम टैक्स कहता है कि आपको खाते बही मेंटेन करने होंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक बात बताइए, क्या इनकम टैक्स में सभी कोई खाते बही मेंटेन कर सकेगा? एक चाय वाले को, ठेले वाले को सबसे कहा जाए चलो अपना अकाउंट्स बनाओ पूरा, या उनको टैली का सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया जाए, तुमको भी पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है, पूरा हिसाब किताब चाहिए, पॉसिबल है? या छोटे मोटे व्यापारियों को हम छोड़ते हैं, कहते हैं ठेले वाले छोड़ दीजिए, खुमचे वाले छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि अगर कोई छोटा मोटा दुकानदार भी है तो क्या उसके लिए फिजिबल है, पॉसिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना? आंसर इज नो, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी स्पेसिफाइड प्रोफेशन की। स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब बड़े प्रोफेशन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, डॉक्टर्स, इन सब को एक कैटेगरी में डाला है। और इनसे सरकार कहती है तुम कमाते हो चाहे नहीं कमाते हो अकाउंट्स बनाओगे। बात भी सही है। एक बात बताइए, अगर सीए, डॉक्टर ये लोग हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो इनके लिए तो नियम ये है कि तुमको तो रखना ही पड़ेगा। और बाकी जितने छोटे प्रोफेशन और बिजनेसमैन है उनके केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर टर्नओवर एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा है या फिर प्रॉफिट एक अमाउंट से ज्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, नहीं तो मत करो, छोड़ दो। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख सकता है कुछ इस तरीके का कि बताइए ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ये टर्नओवर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है नहीं बनाना है। तो आइए इन प्रोविजंस को ठीक से हम लोग पढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले को, स्पेसिफाइड प्रोफेशन मतलब लिख दें यहां पे बड़े प्रोफेशन। आप भी बड़े प्रोफेशन वाले हो, ठीक है, बड़े प्रोफेशन, इनको मैंडेटली रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे मैं कहता हूं साहब, मतलब गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, मोदी जी मैं सीए हूं, और मैं सीए हूं, मोदी जी पूछे अच्छा कितना कमाते हो, कि 2 साल से दुकान खोल के बैठे हैं, कमाए तो शून्य है, जीरो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है? मोदी जी हाँ बनाना है, तुमको तो बेटा बनाना ही है, ठीक है, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, तुमको बनाना है। आइए स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन होता है नीचे देखते हैं। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में लीगल, लीगल मतलब एडवोकेट वगैरह, मेडिकल प्रोफेशन मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशन मतलब इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चर वो सिविल इंजीनियर्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में आ गए सीए, सीएस, सीएमए, ये लोग, टेक्निकल कंसल्टेंसी वाले, इंटीरियर डेकोरेशन और अदर नोटिफाइड प्रोफेशन। तो अदर कुछ है ही नहीं, नथिंग, कोई और नोटिफाइड नहीं है। तो देख लिया, ये मोटा मोटी बड़े प्रोफेशन है, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, बाकी सबको अदर। अदर का मतलब क्या हो गया? अदर का मतलब हो गया, इसको ऐसे लिख लें, छोटे प्रोफेशन प्लस बिजनेस। क्या ये बात आप मानते हो कि प्रोफेशनल्स जनरली पढ़े लिखे होते हैं और बिजनेसमैन पढ़े लिखे ना भी हो ऐसा भी होता है? हाँ, बहुत सारे लोग हैं बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा पॉसिबल, लेकिन प्रोफेशन वाले पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रोफेशन में गवर्नमेंट ने कहा है कि तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना होगा। बिजनेस में क्या कह रही है? या तो आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो, टोटल इनकम ग्रेटर 2.5 लाख है, या फिर आपकी सेल 25 लाख से ज्यादा है,
अगर सेल 25 लाख से ज्यादा है या फिर कमाते 2.5 लाख से ज्यादा हो, मान लो सेल 4 ही लाख की है लेकिन 4 लाख में भी हम 3 लाख कमाए हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। हाँ, 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो या 25 लाख से ज्यादा सेल करते हो तो तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है पिछले 3 सालों में कभी भी ऐसा हुआ है तो, इन एनी वन ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। अगर यस तो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं हुआ है नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आप आंसर करेंगे, आप बताइए प्रीवियस ईयर 2021 में बिजनेसमैन को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है कि नहीं। मैं आपको इसके पिछले 3 साल का टर्नओवर और पिछले 3 साल का प्रॉफिट बताने वाला हूं, प्रीवियस ईयर 19-20 का, प्रीवियस ईयर 18-19 का और प्रीवियस ईयर 17-18 का। टर्नओवर क्या था? 20 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 16 लाख। प्रॉफिट कितना था? 2 लाख, 2,20,000, 2,40,000। पिछले 3 साल का प्रॉफिट और पिछले 3 साल का टर्नओवर आपके सामने है, बताइए प्रीवियस ईयर 2021 में इसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है नहीं बनाना है? बताइए खाते वही बनाने हैं नहीं बनाने हैं? हिसाब किताब देखना है मोदी जी को नहीं देखना है? नहीं बनाना है। पिछले 3 सालों में कभी भी टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा नहीं था, कभी भी 25 लाख से ज्यादा नहीं था देखो, और 2.5 लाख से कभी ज्यादा कमाया नहीं है, है कि नहीं ऐसा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पर हम बोल देते हैं कि ये सीए का है, ये टर्नओवर ये प्रॉफिट, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है? अरे फिर तो देखना ही नहीं है, फिर तो आपको कहना चाहिए सर तो फिर आंख बंद करके भी हम बता देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, ठीक है? आप बोलोगे आंख बंद करके भी हम बता देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, और हम बोलेंगे चश्मा उतार के भी हम बता देंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। अच्छा तो अब क्या पूछूं मैं आपसे? अच्छा चलो मान लो यहां पे टर्नओवर होता 20 लाख नहीं 25 लाख, अब बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है? बोलो 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 बोलो, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। पिछले 3 साल में कभी भी 25 लाख से ज्यादा था टर्नओवर? नहीं था, ज्यादा नहीं था। सुना नहीं था आपने ध्यान से मेरी बात? यानी हाँ सुना नहीं था आपने ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना होता है बात। 25 लाख से ज्यादा कहां है? 25 लाख है ना, ज्यादा है नहीं? 25 लाख से ज्यादा कभी टर्नओवर नहीं है, प्रॉफिट कभी 2.5 लाख से ज्यादा है नहीं? बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है नहीं? ये जो लाल पेन का करेक्शन के बाद भी आंसर ये होगा, नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समझे? अच्छा मान लो अब हम 25 लाख की जगह 26 लाख लिख दें, अब बनाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कभी भी टर्नओवर बढ़ गया हो या कभी भी प्रॉफिट बढ़ गया हो, 25 लाख से ज्यादा टर्नओवर या 2.5 लाख से प्रॉफिट, ठीक है? अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर बनाना है तो क्या बनाना है, क्या क्या मांगेंगे हमसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या बोलेगा, कौन कौन से खाते चाहिए? तो देखिए प्रिस्क्राइब बुक्स, ये लिखा हुआ है रूल 6F में। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में भी बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट कानून बताता है, वो तो बोल के आगे निकल गया कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, तो कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, क्या क्या बनानी है, ये कौन बताएगा? रूल्स बताएगा, ये तो प्रोसीजर कहां होते हैं रूल्स में, ठीक है? बुक्स प्रिस्क्राइब टू बी मेंटेन बाय पर्सन डूइंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जो लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशन में उनको ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, ठीक है? बिजनेसमैन के लिए तो ये बताया ही नहीं कि क्या क्या बनाना है एक्चुअली बिजनेसमैन। और बाकी यहां पे जो लिखा है ना बुक्स ऑफ अकाउंट, देखो यहां पे कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है ये बात यहां बता रहा है, ये रूल 6F में बता रहा है। जो इधर बिजनेस वाले थे, छोटे प्रोफेशन वाले थे, इनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बनानी है नहीं बता रहा है, कह रहा है कि ऐसा कुछ बनाओ जिससे इनकम पता लग जाए। यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है पता है? हिंदी में लिख लो, ऐसा कुछ बनाओ जिससे प्रॉफिट पता लग जाए, बस सरकार इतना कह रही है तुम लोग को कहां ज्यादा आता होगा, ठीक है?
कुछ भी हिसाब किताब दिखाओ, कुछ ऐसा बनाना जिससे समझ में आए। ये नहीं कि अनाप शनाप बनाए हो, तुमको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या हिसाब बनाए हो, मतलब इतना बना देना कि हमको समझ में आ जाए बस। लेकिन बड़े प्रोफेशन वालों से कमाए चवन्नी नहीं, ठीक है, 100 पानी पूरा होना चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग 100 पानी के लिए बने ही हो, अब इतनी पढ़ाई लिखाई किए हो, 100 पानी के लिए बने हो, कमाओ चाहे मत कमाओ, ठीक है। देखो क्या क्या बनाना है, कह रही कैश बुक बनाना पड़ेगा, अच्छा साहब बना देंगे। जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, अगर एक्रूअल मेथड अकाउंटिंग की है तो वो जनरल एंट्री मारते हो, फलाना डेबिट टू क्रेडिट करना पड़ेगा। कह रहे लेजर बनाना पड़ेगा, बना देंगे साहब। कह रहा है कि सारी बिल बननी चाहिए, 25 रुपए से ऊपर का कोई भी तुम्हारे दुकान से माल ले जाता है तो बिल काटना है, काट देंगे साहब, ठीक है, 25 रुपए से आए ऊपर के आइटम की बिल काटनी है सबकी, ठीक है। अच्छा, यानी अगर कोई मेरे यहाँ, मान लीजिए मेरी छोटी सी शॉप है, टॉफी ऑफी बेचते हैं, छोटी शॉप है लेकिन 25 लाख से ज्यादा टर्न हो रही है, 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, तभी ये सब करना है ना। ये बात बताइए, मेरे यहाँ कोई आता है 2 रुपए की चॉकलेट लेके चला जाता है तो क्या मुझे बिल काटना है? तो पहले आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दें, अगर कस्टमर मांगेगा तो काटना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कस्टमर अगर मांग लेगा तो 2 रुपए की बिल काटनी है, ठीक है, अगर नहीं मांगता है तो काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिन के अंत में जब दुकान अपनी बंद करने लगोगे तो दिन भर में जितना 2-2 रुपए का चॉकलेट बेचे थे, ठीक है, 1-1 रुपए की जो भी चॉकलेट बेचे थे या जो भी तुम सामान 25 रुपए से कम का बेचे थे, उसका मिला के एक बिल काटोगे, ठीक है, और वो बिल काट के किसको दोगे? फाड़ के फेंक दोगे डस्टबिन में, कार्बन कॉपी लगी रह जाएगी, ऊपर का फाड़ के फेंक देना, लेकिन बिल काट देना। दिन भर में जितना माल, मतलब जो माल का तुम सेल नहीं काटे हो ना, वो भी काटना पड़ेगा, ये होता है। और बताइए, और उसके बाद कहा जा रहा है कि सारा बिल वाउचर होना चाहिए, जितनी भी आपकी परचेजेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनका बिल वाउचर होना चाहिए। अच्छा, अब डॉक्टर्स के लिए 2 चीज और है, इन केस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन 2 चीज और क्या बनाना है उनको, एक तो डेली केस रजिस्टर बनाना है, फॉर्म 3C होता है, रूल में फॉर्मेट भी उसका दिया हुआ है कि कैसे बनाना है, डेली केस रजिस्टर बनाना है उनको, ये डॉक्टर्स को बनाना है। डॉक्टर को 2 चीज और बनाना है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, बिल की कॉपी, बिल वाउचर, ये सब बनाना है, उसके अलावा डेली केस रजिस्टर बनाना है और स्टॉक रजिस्टर बनाना है। ये डेली केस रजिस्टर क्या होता है, कभी आप किसी डॉक्टर के यहां जाते हैं तो बाहर उसका कंपाउंडर बैठा रहता है और आपसे एक रजिस्टर लेके वो पूछता है कि नाम बताओ, बोलते हो उम्र, हाँ ठीक है, तकलीफ, तकलीफ बताओ, ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है तुम्हारा नंबर है 42, मतलब 42वें नंबर पे डॉक्टर साहब तुमको देखेंगे, ठीक है, बैठ जाओ आप शांति से, जब 42 नंबर आएगा तो डॉक्टर साहब देखेंगे। यही रजिस्टर जो वो मेंटेन करता है ना, उसी को कहा जाता है डेली केस रजिस्टर, ठीक है। ये डेली केस रजिस्टर डॉक्टर क्या अपनी मर्जी से बना रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है कंपाउंडर को बैठा के बनवा रहा है? नहीं, इनकम टैक्स में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स में लिखा हुआ है, इसलिए डेली केस रजिस्टर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब किसी कोई गया और उसको दिख रहा है कि ऐसा कोई रजिस्टर लेके नहीं बैठा है, तो ये मत समझना कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है, ध्यान से समझो, सब चीज डिजिटल हो गया है। आजकल बड़े अस्पताल में जाइए तो कंप्यूटर में एंट्री मारते हैं, वो कंप्यूटर में बना रहे हैं, ठीक है, डेली केस रजिस्टर, तो ये मत कहिएगा कि रजिस्टर तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, तो वो डेली केस रजिस्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डॉक्टर साहब बनवाते हैं, मैं आपको बता दूं, नहीं तो वो नहीं बनवाए। मैं आपको एक बात बताऊं, डेली केस रजिस्टर ही एक ऐसी चीज है जिससे डॉक्टर की सही इनकम पता लग जाएगी, क्योंकि आप डेली केस रजिस्टर में देख लीजिए डॉक्टर साहब की फीस कितनी है, फिक्स है भाई, मान लीजिए 500 रुपया फिक्स है, ठीक है, 100 पेशेंट देखा है दिन में, 100 पेशेंट देखा है तो डेली केस रजिस्टर में तो सारे का नाम की एंट्री है, 100 × 500 कर दीजिए कितना हुआ, 50,000 रुपए कमा रहा है वो दिन का, निकल गई कि नहीं इनकम, 1 मिनट में निकल जाएगी। एक बात बताइए, वो डेली केस रजिस्टर बनाता तो है क्योंकि इनकम टैक्स का कानून कहता है बनाने के लिए, क्या वो चाहता है कि इनकम टैक्स वाले आके देख भी लें? नहीं। अब मैं आपको चोरी बता रहा हूं, बताना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन क्या करूं, जब चोरी नहीं बताऊंगा तो आप कानून बढ़िया से नहीं समझोगे, ठीक है। सारे डॉक्टर, नहीं नहीं सारे कहना तो गलत हो जाएगा, मैं कौन होता हूं ये बोलने वाले, नॉर्मली डॉक्टर्स क्या करते हैं, 2-2 रजिस्टर बनाते हैं। अब ये 2 रजिस्टर क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जो आप देख रहे हो ना, जिसमें वो एंट्री मार रहा है, ठीक है, वो एंट्री मारने के बाद दिन के अंत पे एक दूसरे रजिस्टर में क्या करेगा, उसकी एंट्री कॉपी करेगा,
लेकिन 100 पेशेंट आए होंगे तो 100 नहीं 10। आई बात समझ में? फिर वो रजिस्टर वो नीचे रखा रहता है, ठीक है, वो कंपाउंडर को बोला गया इसको नीचे रखे रहा करो, ठीक है, जब दिन का अंत हो जाए, जब डॉक्टर साहब अब उठने लग जाएंगे, अब पेशेंट नहीं देखेंगे, तो तुम इसको मेंटेन कर लिया करो, ठीक है, 100 पेशेंट रहेंगे तो 10 लिख दिया करो, डॉक्टर साहब ने समझा दिया है कि अगर 90 हो तो 9 लिख दिया करो, ठीक है, कौन से 9 लिखने हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जो तेरी मर्जी 9 लिख लिया करो, ठीक है। अब डॉक्टर साहब के रजिस्टर में जो मेन रजिस्टर है जिसमें वो सही सही वाला लिख रहे हैं, उसका रोज का रोज पन्ना फाड़ दिया जाता है। अब बात समझे, आज का हिसाब हो गया, आज के 100 पेशेंट हो गए, ये देख लिया गया सब, उसको फाड़ के वो डॉक्टर साहब को पन्ना वो फाड़ के दे देता है, ठीक है। डॉक्टर साहब घर जाते जाते समय रस्ते में अपना चेक कर लेते हैं, हाँ भाई इतना पैसा मुझको आ गया, वो भी फाड़ के रस्ते में ही फेंक देते हैं, काम खत्म, हिसाब हो गया। और उस एंट्री में से 10 एंट्री ऑलरेडी कहां जा चुकी है, मेन रजिस्टर में। मेन रजिस्टर में रोज का रिकॉर्ड है, और जिस रजिस्टर में आपकी एंट्री हो रही है ना, उसमें सिर्फ उसी दिन का रिकॉर्ड है। समझ में आया बात सबको? अच्छा, अब जैसे डॉक्टर के यहां जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो क्या होता है, सबसे पहले इनकम टैक्स वाले क्या चीज उठाएंगे, यही रजिस्टर। पता है जो बैठ के कंपाउंडर वहां पे एंट्री कर रहा है उसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया कि अगर इनकम टैक्स वाले कभी भी दरवाजे पे आए तो तुरंत पन्ना फाड़ के खा जाना उसको। हाँ, अगर नहीं खाएगा तो गई उसकी नौकरी, उसका काम ही यही है कि तुमको पन्ना खाना पड़ेगा, मिलना नहीं चाहिए इनकम टैक्स वालों को। अच्छा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एक दिन का पकड़ा ही जाएगा तो कौन दिक्कत है? अरे नहीं, एक्चुअली जहां सोचिए इनकम टैक्स वाले देखेंगे, आज हम लोग छापा मारे उस दिन 100 पेशेंट आए थे, बाकी हर दिन इसके पास 10 ही आते हैं, मानेगा क्या वो ये बात, कहेगा तुम गलत बनाए हो, आज 100 आए हैं तो हम तो 100 ही मानेंगे। वो कहेगा 365 दिन तुम्हारी दुकान खुलती है, 365 × 100 3,500 पेशेंट देखते हो, × ₹500 पर पेशेंट लेते हो, वो तो निकाल देगा इनकम, खटाक से आ गई आपकी इनकम, मोटा मोटी कितना आएगा, आपकी जोड़ अच्छी है, मेरी जोड़ अच्छी है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास आएगा, आ गई इनकम। समझ में आया सबको? तो इसलिए उसको खा जाना होगा, ठीक है, और नहीं तो उसको पन्ना फाड़ के अगर खा नहीं पाता है तो पीछे वाली बालकनी से कूद जाएगा बिल्डिंग के बाहर, लेकिन वो हाथ नहीं लगना चाहिए। अच्छा चलिए, मेरा मकसद ये सब समझाना नहीं था, मेरा मकसद समझाना था कि डेली केस रजिस्टर जो बन रहा है ना डॉक्टर साहब के पास, वो इनकम टैक्स को दिखाने के लिए सब नहीं बना रहे, वो इनकम टैक्स में लिखा हुआ है बना हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। एक रजिस्टर नीचे भी अंदर रखा है ना, तो जब इनकम टैक्स वाले डॉक्टर साहब से पूछेंगे डॉक्टर साहब जरा बाहर आइए, डेली केस रजिस्टर नहीं दिख रहा है, कहेंगे अरे वही होगा, लड़का कहीं पानी वानी पीने गया होगा, ठीक है, जरा दूध निकाल के दिखा देंगे, ये देखिए ये ही है मेरा डेली केस रजिस्टर। आया समझ में सबको? स्टॉक रजिस्टर अब क्यों बनवा रहे हैं डॉक्टर साहब से? बहुत सारी चीज डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उस समय यूज करते हैं और डिस्पोज कर देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ग्लव्स व्लव्स पहन के चेक वेक किए पेशेंट को, फिर क्या करते हैं उसको उतार के फेंक दिए, बहुत सारी रुई हुई बहुत सारे इलाज में अपना यूज करते हैं, पेशेंट को देखते हैं फिर फेंक देते हैं, होता है ना बहुत सारी चीजें, तो उनसे उनका स्टॉक रजिस्टर बनवाया जाता है। एक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, इनकम टैक्स वाले पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपके यहाँ कितने पेशेंट आए, कह रहे हैं डॉक्टर साहब की नई पेशेंट तो एक भी नहीं आए, स्टॉक रजिस्टर में देख रहे हैं ग्लव्स 20 बदल चुके हैं, वो यार ग्लव्स तुम बार बार क्या कर रहे हो, पहन रहे हो उतार दे रहे हो फेंक दे रहे हो क्या, ग्लव्स तुम 20 बार तुम चेंज कर दिए, तुम्हारे पास पेशेंट सुबह से एक भी नहीं आए, ये हो क्या रहा है, इससे चेक हो जाता है कितने पेशेंट आए, इसलिए स्टॉक रजिस्टर बनाना पड़ता है कि सुबह कितना था, शाम तक तुम्हारा ये सब कॉटन जो भी चीज तुम यूज करते हो, मतलब ठीक है जितनी भी चीज तुम्हारे पास सामने रखी हुई है, जो भी चीज यूज करते हो, ग्लव्स व्लव्स वट एवर, नहीं यूज करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, ये दवा का स्टॉक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टॉक क्या चीज का है, वो चीज का जो डॉक्टर यूज करता है पेशेंट को देखते समय, तो उसका पूरा रजिस्टर बनाना पड़ता है, सुबह सुबह इतना था शाम तक इतना हो गया, सुबह इतना था फिर अगले दिन सुबह इतना था शाम तक इतना हो गया, ठीक है, इतना आया इतना बढ़ गया इसकी वजह से, फिर इतना यूज हो गया इतना शाम को बचा था, तो उससे एक आइडिया लगता है कि कितने पेशेंट आते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब तो इतनी गुणा गणित नहीं करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स वाले करेंगे ना, जब पकड़ेंगे तो कहेंगे कि आज जिस दिन हम आपके यहाँ आए उस दिन 100 पेशेंट आए हुए थे, ठीक है, और आपके रजिस्टर में दिख रहा था 10, बाकी दिन 10 आते हैं, आज 100 आए हैं, आज अब ग्लव्स बदले हो 5, बाकी दिन बदलते हो 20, तो जब 10 पेशेंट आते हैं तो 20 बार ग्लव्स बदल देते हो, आज 100 आए हैं हम देख रहे हैं तो तुम 5 ही ग्लव्स बदले हो,
इसका मतलब यह है कि आज 100 पे अगर तुम 5 ग्लव्स बदलते हो और कल तुम 20 ग्लव्स बदले थे, तो इसका मतलब है 400 पेशेंट आए थे। समझ में आ रहा है ना गुड़ा गणित? चलिए ज्यादा ना समझिए। तो इसलिए ये दोनों भी उनसे बनवाया जाता है। और ये सब कब तक मेंटेन करना पड़ता है? ये 6 साल तक मेंटेन करना पड़ता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 6 साल तक। यानी मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मुझे प्रीवियस ईयर 2021 की बुक्स कब तक रखनी है संभाल के, सब खाते भाई कब तक संभाल के रखने हैं, जैसे डॉक्टर साहब डेली केस रजिस्टर कई साल तक रखेंगे, 6 ईयर कहां से? एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी कि 31 मार्च 22 से 6 साल, यानी कि 31 मार्च 2028 तक सारे खाते भाई रखने होंगे। 2021 की जो हिसाब किताब बन रहा है उसको 31 मार्च 2028 तक रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपने सब घपला अपला किया हुआ है, ठीक है, अब इनकम टैक्स वाली किताब मंगा रहे हैं तो आपकी हालत खराब हो रही है कि हम कहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट लेके जाएं, ठीक है, तो आपने मार्केट से दीमक खरीद लिया। दीमक समझते हो? दीमक एक कीड़ा होता है जो नहीं जानता है उसके लिए, ठीक है, लकड़ी के फर्नीचर्स ये सब कुछ कागज वागज ये सब चाट जाते हैं वो लोग, ठीक है, पता नहीं कौन सी स्किल होती है उनके पास, ठीक है, बड़ा गजब का टैलेंट होता है, ऐसा चाटते हैं एकदम साफ हो जाता है, गायब ही हो जाता है। तो हमने मार्केट से दीमक खरीद के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे चढ़ा दिया उसको कि लो चाट जाओ, ठीक है, उसको दीमक लगी हुई, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बचा हुआ था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो सब पकड़ा दिया, लो भाई दीमक लग गया था हमारे यहाँ। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला वो मान लेगा? कहेगा नहीं, 6 साल तक बढ़िया से रखने की जिम्मेदारी आपकी है, टू बी केप्ट एंड मेंटेन्ड। दीमक अगर चाट गया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपको चाट जाएगा, ठीक है, जिम्मेदारी आपकी है, जैसे रखना है रखो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए 6 साल तक, कभी भी हम मंगा सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए अब उसके बाद देखते हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एज कंपल्सरी, सेक्शन 44AB। 44AA क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट किसको बनाना है, अब ऑडिट किसको करानी है? ऑडिट क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कराना है सीएस। एक बात बताइए, अगर अकाउंट्स बनाई नहीं है तो चेक होगा क्या? फिर चेक कैसे होगा? यानी निश्चित सी बात है ऑडिट उसी की हो रही होगी जिसने अकाउंट्स बना रखा है। अब ऑडिट किसकी होती है? बड़े व्यापारियों की, ठीक है। क्या छोटा मोटा व्यापारी अफोर्ड कर पाएगा? सीए आएगा चेक करेगा उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फीस दे पाएगा क्या? नहीं, ये बड़े व्यापारियों के लिए है। आइए देखते हैं किसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी है, मतलब सीए वेरीफाई करेगा पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। क्या आपको मालूम है कि नहीं कि सीए का मेन काम यही होता है? सीए ऑडिट ही करता है, यही उसका मेन काम होता है, बाकी तो जो उसकी मर्जी वो कर ले, ठीक है। जैसे हम कोई सीए वाला काम कर रहे हैं क्या? नाम के आगे लगा रखे हैं, कोई सीए वाला काम हम नहीं कर रहे हैं। सीए की डिग्री की वजह से मेरे पास 1 रुपया नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो सीए की डिग्री तो बस मेरे नाम के आगे है, काम में तो सीए का बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया भी सीए की डिग्री की वजह से नहीं है। तो ऑडिट ही मेन काम होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना। किनको करानी होती है आइए देखते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स कंपल्सरी ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अ पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन ब्रोकरेज और कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, जो लोग एजेंसी वाला बिजनेस करते हैं जिनको कमीशन ब्रोकरेज मिलता है माल वाल बेचने पे, उनका अगर 1 करोड़ से ज्यादा का कमीशन या ब्रोकरेज हो जाए तो उनको ऑडिट करानी पड़ती है। याद रहे जो लोग कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, तो उनकी कमीशन ब्रोकरेज अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए साल की तो उनको ऑडिट करानी पड़ती है। पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, जो लोग प्रोफेशन कर रहे हैं मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर इंजीनियर्स, इन सब के लिए क्या है, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है, सबसे पहली बात तो एक्सीड वर्ड को ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर गलती करोगे। बताइए अगर मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे कि मिस्टर एक्स को 1 करोड़ रुपए की कमीशन आती है, ऑडिट करानी है? नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए एक्सीड। बताइए एक सीए साहब की 50 लाख रुपए की रिसिप्ट है साल भर की, ऑडिट करानी है? नहीं, 50 लाख 1 रुपया होनी चाहिए, 50 लाख से ज्यादा, ठीक है। अच्छा अब ये प्रोफेशन में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस और एडवांस रिसिप्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इस रिसिप्ट में एडवांस रिसिप्ट और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होगा। जैसे एक सीए साहब हैं, उनको 30 लाख रुपए की फीस मिली है इस साल जो उन्होंने काम किया उसका,
अब 22 लाख रुपए की फीस मिली है, जो काम अगले साल करना है उसका भी पैसा एडवांस में मिल गया है, तो टोटल 52 लाख हो गया, 50 लाख से ज्यादा हो गया। ऑडिट करानी है नहीं करानी है ये पैसा नहीं गिना जाएगा, ये अगले साल का है, इस साल का 30 ही लाख मानेंगे हम, ऑडिट नहीं करानी है, 50 लाख से कम हो गया। समझ में आया सबको? अच्छा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी काउंट नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? जैसे सीए साहब जो हैं वो ऑडिट करने के लिए दिल्ली मुंबई ये सब जगह जाते हैं, पैसा कौन देता है दिल्ली मुंबई जाने का? फीस तो मिलती ही है, साथ में सीए साहब क्या लेते हैं क्लाइंट से? कहते हैं फ्लाइट का किराया दो, होटल का पैसा दो, होटल में खाने का पैसा दो, होटल में रहने का खाने का सारा चीज का लेते हैं सीए साहब। ठीक है, तो सीए साहब की टोटल रिसिप्ट हम बताते हैं आपको कितनी थी। साल भर की टोटल रिसिप्ट थी उनकी 35 लाख रुपया, ये फीस थी उनकी जो फीस वो लेते थे। और ये जो होटल फोटल का करके पैसा लेते थे, होटल का और फ्लाइट का ये सब का पैसा जो लेते थे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो खर्चा करते थे उसका पैसा लेते थे, तो ये था करीब 20 लाख रुपया। तो कुल मिला के हो गया 55 लाख रुपया। ऑडिट करानी है नहीं, ये नहीं काउंट होता है, ये जो खर्चे के लिए पैसा लेते हैं ना ये काउंट नहीं होता है, फीस देखनी है आपको कितनी है। आया समझ में सबको? जैसे मान लीजिए एक आर्किटेक्ट है, ठीक है, वो बिल्डिंग की ड्रॉइंग बनाता है, तो बिल्डिंग की ड्राइंग बनाने के लिए भी आर्किटेक्ट को साइट पे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है भाई जमीन कैसी है, अगल बगल क्या है, उसके हिसाब से कैसा बिल्डिंग यहाँ पे अच्छा रहेगा, फिर वो डिजाइन बना के देता है। तो भाई अगर वो किसी क्लाइंट के लिए, मान लीजिए वो आर्किटेक्ट यहाँ वाराणसी का है, कोई मुंबई का क्लाइंट उसको बुलाता है, तो भाई फ्लाइट का किराया भाड़ा सब कुछ देगा कि नहीं उसको? ऑब्वियसली देगा, वो अपने पैसे से क्यों जाएगा किसी की साइट देखने के लिए? तो वो पैसा जो उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के लिए मिल रहा है वो कंसिडर नहीं होता है, उसको छोड़ के 50 लाख रुपए से ज्यादा, मतलब फीस का पैसा अगर 50 लाख से ज्यादा है तो ऑडिट करानी है। नेक्स्ट आइए, बिजनेस पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको ऑडिट कब करानी है? जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको ऑडिट तब करानी है जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, बिजनेस वालों को 1 करोड़ के ऊपर कह रहा है ऑडिट करने को, अब प्रोफेशन वाले को 50 लाख के ऊपर ही कह रहा है, ऐसा क्यों? आप भी समझते हो बिजनेस में अगर कोई 1 करोड़ रुपए का भी माल बेच देगा ना तो शायद 10 लाख रुपए कमाएगा, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशन में 50 लाख रुपए पाया है वो हो सकता है 25-30 लाख रुपए कमाया है उतने में, क्योंकि देखिए हम लोग प्रोफेशन वाले हैं। जैसे एक बात बताइए, सीए साहब है वो जो फीस ले रहे हैं तो कोई माल थोड़ी ना बेच रहे हैं, वो तो 10,000 रुपए ले रहे हैं, तो 10,000 रुपए उनकी जेब में जा रहा है ना, आप समझ रहे हो कि नहीं ये बात? लेकिन एक दुकानदार जब 10,000 रुपए का माल बेचता है तो 10,000 उसकी जेब में थोड़ी ना जा रहा है, वो तो 9,000 का माल ही था जो 10,000 में बिका है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि बिजनेस वालों को ऑडिट तब करें जो 1 करोड़ से ज्यादा का माल बेचता है, ठीक है। अच्छा, 1 करोड़ भी है और एक लिमिट है 5 करोड़। आइए देखिए, इनहांस लिमिट ऑफ 5 करोड़ विल बी एप्लीकेबल, कह रहा है 5 करोड़ के ऊपर ऑडिट कराने की जरूरत है। कब? वो उनके लिए है जो लोग डिजिटल पेमेंट लेते हैं और डिजिटल पेमेंट देते हैं। बहुत बार आपने मोदी जी को सुना होगा, हम लोग इस देश को क्या बनाएंगे, डिजिटल, डिजिटल इकोनॉमी बनाई जाएगी, ठीक है, हर कोई क्या करेगा, ऑनलाइन पेमेंट करेगा। उस देश में भी लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे जहां पे 30% इलिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे ही नहीं है, वो भी ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे, सरकार कह रही है, देखा जाए कैसे होता है, ठीक है, उस देश को डिजिटल बनाया जाएगा। तो सरकार प्रोत्साहन दे रही है उन व्यापारियों को जो लोग डिजिटल पेमेंट देते हैं और लेते हैं, उन्हें कह रही है कि तुमको 5 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, 5 करोड़ के ऊपर कराना होगा। पता है इससे क्या होगा, हर व्यापारी डिजिटल पेमेंट लेना और देना चाहेगा ताकि उसको 5 करोड़ रुपए तक ना किसी सीए के मुंह नहीं लगना होगा, है कि नहीं भाई? सीए आता है, ऑडिट करता है, फीस भी ले जाता है, अलग से झंझट भी करता है, ये गलती कर दी अकाउंट में, ये गलती कर दी, भाई नौटंकी नहीं रहेगी। तो इसलिए व्यापारी डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देंगे। लेकिन देखिए डिजिटल इकोनॉमी बनना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है, और अगर आप ये समझते हो कि गवर्नमेंट 2-4-5 रुपए को भी डिजिटल करना चाहती है तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है भी नहीं, या सोच के देखिए, बात समझ रहे हैं? अगर देखिए जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है वो अगर कैश में भी चलते रहते हैं और बड़े ट्रांजेक्शन डिजिटल में आ जाते हैं तो डिजिटल इकोनॉमी बन गई है हमारी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पे क्या कहता है, वेयर एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसिप्ट इन कैश ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट, जितना साल भर का टोटल रिसिप्ट था उसके 5% से ज्यादा कैश नहीं है, कैश में रिसिप्ट नहीं है,
और जितना हमने पेमेंट किया है साल भर में टोटल पेमेंट के, 5% से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं है। मतलब जंतु क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है जितना साल भर में तुमको पैसा आया है उसका 5% से कम पैसा ही तुम किस में लिए हो, कैश में लिए हो, और जितना पैसा साल भर में तुम पेमेंट किए हो ना उसके 5% से कम पैसा ही तुम कैश में पेमेंट किए हो। अगर तुम ऐसा किए हो तो बड़े अच्छे आदमी हो भाई तुम, मोदी कह रहे हैं। तुम तो डिजिटल पेमेंट लेते हो, देते हो बस 5%, क्योंकि थोड़ा बहुत कैश करना पड़ता है, बहुत सारे लोग कैश में लेंगे ही नहीं या बहुत सारे डिजिटल पेमेंट देंगे ही नहीं, तो वहां पे कोई हम ऐसा तो ही नहीं ग्राहक भगा देंगे, नहीं भाई उनसे भी ले लेंगे, तो 5% तक चलेगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है, जैसे मान लो मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है, मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है, 5% कितना होता है इसका, 15 लाख रुपया। तो 3 करोड़ का अगर हम सेल किए हैं तो 15 लाख रुपया तक हम कैश में भी ले सकते हैं साल का। मान लो मेरे खर्चे साल भर के 2 करोड़ रुपए थे, तो 2 करोड़ का 5% यानी कितना हुआ, 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया तक की पेमेंट अगर हम साल भर में कैश में दिए हैं तो भी चलेगा। ऐसे में मुझे ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इवन माई टर्न ओवर 3 करोड़ तो भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमने ना तो 5% ज्यादा कैश लिया है ना तो 5% ज्यादा कैश दिया है। अदरवाइज 1 करोड़ है, अगर 5% वाला क्राइटेरिया तुम डाक जाते हो तब तो फिर 1 करोड़ तुम्हारे लिए लिमिट है, 1 करोड़ के ऊपर ऑडिट कराने। क्लियर है ना ये सबको, एग्जाम्पल ले लें क्या, जल्दी बताओ ऑडिट करानी होगी कि नहीं। टर्नओवर, ठीक है, टोटल एक्सपेंस, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। अब आप बताना ऑडिट करानी है कि नहीं, यस और नो, ये सब लिख लो एग्जांपल, बहुत मजेदार एग्जांपल बना बना के देते हैं हम आपको। टर्नओवर है 2 करोड़ 60 लाख, टोटल एक्सपेंस है 2 करोड़ 30 लाख, कैश रिसिप्ट है 10 लाख और कैश पेमेंट है 8 लाख। ऑडिट करानी है, कैसे चेक होता है, टर्नओवर का 5% हम कैश रिसिप्ट ले सकते हैं, 2 करोड़ 60 लाख का 5% होता है 13 लाख रुपया, 13 लाख तक ले सकते हैं, भाई 10 ही लाख लिए चलेगा। एक्सपेंस 2 करोड़ 30 लाख है, उसका 5% कितना हुआ, 23 आधा 11 50, मतलब 11 लाख 50 हज़ार रुपया, 11 लाख 50 हज़ार रुपये की कैश पेमेंट कर सकते थे, 8 ही लाख की हैं। ऑडिट नहीं करानी है, 5 करोड़ तक छूट मिल जाती, नहीं करानी ऑडिट। जल्दी बताइए अब फिर से बताइए, 2 करोड़ 60 लाख रुपये का टर्नओवर है, 2 करोड़ 30 लाख रुपये का एक्सपेंस है, रिसिप्ट 15 लाख रुपये की है, कैश पेमेंट 8 लाख रुपये का है, ऑडिट करानी है। हाँ एक्चुअली सेल मेरा 2 करोड़ 60 लाख है ना, तो 13 लाख रुपए तक ही हम ले सकते हैं 5 ही%, हम 15 लाख रुपया ले लिए हैं तो हमको ऑडिट करानी पड़ जाएगी। आइए देखिए, मेरा टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, एक्सपेंस है मेरा 89 लाख रुपीस, कैश रिसिप्ट है मेरी 10 लाख रुपए की और कैश पेमेंट है मेरा 4 लाख रुपए। ऑडिट करानी है, 1 करोड़ रुपए का 5% होता है 5 लाख रुपए, हमने 10 लाख रुपए कैश में लिया है, ऑडिट करानी है बताइए, नहीं करानी है, 1 करोड़ तक तो किसी को ही नहीं करानी होती। हुआ था गलती आप लोगों से, हुआ था ना 5% के चक्कर में, 1 करोड़ तक तो किसी को नहीं करानी ना, कैसे याद रखोगे आप लोग बताइए। टर्नओवर 5 करोड़ 50 लाख था, ठीक है, टोटल एक्सपेंस था 5 करोड़ 10 लाख रुपया, कैश रिसिप्ट 10 लाख रुपया है, ठीक है, और कैश पेमेंट भी 10 लाख रुपया है। अब देखिए 5 करोड़ का 5%, 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ का 5% ही होता है, 25 लाख रुपए से ऊपर की कैश रिसिप्ट या पेमेंट आप कर सकते हो 25 लाख रुपए तक। आपने कैश रिसिप्ट और पेमेंट 5% से कम कर रखी है, मतलब ये ऑडिट करानी होगी, हाँ करानी होगी, क्योंकि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। क्लियर है सबको,
सब कुछ समझ में आया ना, ये 5 करोड़ से ज्यादा था टर्नओवर, इसलिए ऑडिट करानी ही है। अब हमको 5% वाला क्लॉज नहीं देखना है, 1 करोड़ से कम है तो भी 5% नहीं देखना, ऑडिट करानी ही नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक अगर होता है तो ये सब देखना है 5% वाला। फिर उसके बाद है पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD, ADA, AE। ये तीन सेक्शन जो है इसको कहा जाता है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन, 44AD, ADA एंड AE, इसे कहा जाता है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन। प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि इन तीन सेक्शन में आपकी इनकम गवर्नमेंट मान लेती है, आपसे पूछती नहीं है कि आपकी इनकम कितनी है, कहती है हमने आपकी इनकम इतनी मान ली और इतने पे अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कहोगे बड़ी बेकार बात है, ऐसे कैसे गवर्नमेंट मान लेगी मेरी इनकम? तो ध्यान दीजिएगा, ये गवर्नमेंट आपके साथ जाती या गलत नहीं कर रही है, मैं आपको बताऊं ये बहुत अच्छा सेक्शन है, ये तो सबको मिलता ही नहीं है। इसमें जो इनकम गवर्नमेंट मानती है वो खुद ही बहुत कम होती है। जैसे अगर मुझे नसीब हो जाए तो मैं कहूंगा हाँ हाँ मान लो यही वाली इनकम, नसीब ही नहीं होगी, क्योंकि ये है छोटे व्यापारियों के लिए। 44AD, ADA और AE ये छोटे व्यापारियों के लिए है, जिसमें सरकार ने कहा है कि तुम खाता बही मत मेंटेन करो, हम तुम्हारी इनकम बता देंगे। कुछ तरीका गवर्नमेंट ने बताया कि ये सब बताओ हम तुम्हारी इनकम बता देंगे और उतनी मान ली जाएगी, उस पर टैक्स दे देना। और ये बात समझ में, तो ये अच्छा वाला सेक्शन है, प्यारा वाला सेक्शन है। अच्छा, गवर्नमेंट तो खुद ही बहुत ही कम इनकम मान रही है, हमने आपको बताया, लेकिन आप कह रहे हो नहीं भाई हम तो इतना भी नहीं कमाते। जैसे गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के तहत आपकी इनकम 4 लाख रुपए मान ली, आप कह रहे हो नहीं नहीं हम तो 4 लाख भी नहीं कमाते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है तुम कितना कमाते हो, तुमने बोला 2 लाख रुपया, गवर्नमेंट कह रही है ठीक है हम 2 लाख मान लेंगे, बस सीए से ऑडिट करा दो, अकाउंट्स बना दो, 2 लाख कमा रहे हो तो दिखा दो अकाउंट्स बनाओ, 2 लाख रुपया कैसे आ रहा है, सीए से ऑडिट करा दो हम मान लेंगे 2 लाख रुपया। देखा सीए की इज्जत, सीए अगर कह देगा कि नहीं भाई ये तो 2 ही लाख रुपए कमाता है सरकार के लिए, मान लेंगे 2 लाख रुपए कमाता है। और देखो, इफ द पर्सन क्लेम्स दैट द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस आर लोअर देन द प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन में जो प्रॉफिट बताया गया उससे कम आप कहोगे तो ऑडिट करानी है। तो ऑडिट का सिस्टम समझ में आ गया, कब कब करानी है? जो लोग कमीशन ब्रोकरेज पाते हैं 1 करोड़ के ऊपर, प्रोफेशन वाले 50 लाख के ऊपर, बिजनेस करने वाले 1 करोड़ रुपए के ऊपर, और जिनका 5% तक का ही नगद लेन और देन है वो 5 करोड़ तक के ऊपर ऑडिट कराते हैं। और फिर किसका पड़ा, हाँ फिर प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन वाले अगर इनकम अपनी कम मानने को तैयार हैं तो ऐसे में उन्हें ऑडिट करानी होती है। ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है वो सीए साहब किस फॉर्म में बनाते हैं? एक्चुअली ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है ना उसका एक फॉर्मेट होता है इनकम टैक्स रूल्स में, फॉर्मेट को ही फॉर्म कहा जाता है। तो वो कौन सा फॉर्म होता है जिसमें वो रिपोर्ट देते हैं, और ये रिपोर्ट कब तक जमा कर दी जाती है, ये आपको याद रखना होगा। इन केस ऑफ ए पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन एंड हु इज रिक्वायर्ड बाय और अंडर एनी लॉ टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, कह रहा है कि इन केस ऑफ ए पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन एंड हु इज रिक्वायर्ड बाय और अंडर एनी लॉ टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, कह रहा है किसी लॉ के तहत अकाउंट्स की ऑडिट होनी है, किसी और लॉ के तहत भी अकाउंट्स की ऑडिट होनी है। जैसे आपको पता है कि कंपनीज एक्ट में भी कंपनी की ऑडिट होती है, हाँ जीएसटी लॉ के तहत भी अगर टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होता है तो ऑडिट होती है। तो अगर आपका इनकम टैक्स के अलावा कहीं और ऑडिट होनी है तो सीए साहब जो आपकी इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट देंगे वो होगा 3CA और 3CD। लेकिन अगर आपकी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में होनी है, कहीं और नहीं होनी है, इन केस ऑफ पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन बट नॉट बीइंग पर्सन रेफर टू अबव, मतलब नो वेयर एल्स ऑडिट, कहीं ऑडिट नहीं होनी है, तो आपको सीए साहब जो ऑडिट रिपोर्ट देंगे वो 3CB एंड 3CD में देंगे। 3CD और 3CD कॉमन है, दिख रहा है? ठीक है, एक्चुअली 3CD को एनेक्सर कहा जाता है, ये कहा इसको बोला जाता है एनेक्सर टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट, और ये जो 3CA या 3CB होता है इसको बोला जाता है मेन ऑडिट रिपोर्ट। ये मेन ऑडिट रिपोर्ट बस बदल जाती है। अगर किसी और कानून में भी मेरी ऑडिट होगी तो सीए साहब इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट 3CA में देंगे, ठीक है, और अगर कहीं और ऑडिट नहीं होगी होगी तो हमको 3CB में मेन ऑडिट रिपोर्ट देंगे, और 3CD एनेक्सर जो होता है वो दोनों में लगता है। कब तक जमा किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट, कब तक जमा करना है ऑडिट रिपोर्ट?
ऑडिट रिपोर्ट कब तक जमा, ये लाइन काट दीजिएगा यहाँ पे, ये गलत है। ऑडिट रिपोर्ट जो जमा करना होता है वो 30 सितंबर तक करना होता है, 30th सितंबर फॉलोइंग या 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का जो 30th सितंबर होगा वहां तक जमा करना होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 2021, 2021 का असेसमेंट ईयर क्या है 21-22, तो असेसमेंट ईयर का 30 सितंबर है, 21-22 में 30 सितंबर कब आएगा, 30 सितंबर 2021 यहां तक ऑडिट रिपोर्ट जमा कर देनी है। और ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे जमा होती है, ई फाइलिंग होती है, ठीक है, फिजिकल जमा नहीं होती है, ई फाइलिंग होती है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो अब आगे की बात करनी है जो कि है प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन की, ठीक है। इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं।